नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का सवाल है क्वेश्चन इज अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ऑर्जोटल प्लेन प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू सिक्स मीटर पर सेकेंड इन वन सेकेंड ड्यूरेशन एट दैट इंस्टेंस द दूर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड तो हमने क्या किया उस टाइम पे जो एक सेकेंड बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन uh, उल्टी कर दी दिया uh, सवाल यह है द कार कंटिन्यूस टू मूव फॉर टू मोर सेकेंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड हमें ये बताना है कि एवरेज बेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन जीरो टू थ्री सेकंड रेस्पेक्टिवली क्या होंगे नाउ अगेन बेसिक्स पर जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक और कानेटिक्स दोनों का सवाल है और सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा सबसे पहले तो सिचुएशन समझते हैं सिचुएशन uh, ये है कि आपकी स्ट्रेट रोड और लेटेस्ट से ये हमारी कार है uh, ये आपकी कार इस तरह से जा रही है आगे अलग दो ही पहिए होते हैं कार में तो दो पहिए बना लेते हैं सो ये कार आपकी ऐसे मूव कर रही है और इस कार के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार यहाँ लग रही है विच एम्प्लाइज एक्सलेशन जो होगा वो क्यू ई बाय एम होएगा अलग और ये कार आगे ऐसे ट्रेवल करके जाती है उसके बाद फिर एक सेकेंड तक तो स्पीड इसकी हमने बढ़ने दी है उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी यानी कि जो ये एक्सेलेशन आएगा वो अब रिवर्स डायरेक्शन में सेम एक्सेलेशन हो जाएगा और उसके बाद कार दो सेकेंड और चली है ना इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कार का जो मोशन होएगा वो कुछ इस प्रकार आपका मोशन होएगा सो ये तो आपका पहले कह लीजिए एस वन इसको कह लेंगे यहाँ से आपने चलना शुरू किया या आपका टी इज टू जीरो से टी इज टू वन तक ये मोशन हुआ है उसके बाद टी इजल टू आ, टू से लेके कर थ्री तक ये आपका मोशन हुआ है नाउ पलटी का सवाल है यहाँ पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में फ़र्क आएगा ये हम क्लास में ऐसी बातें करते हैं इसको ध्यान रखने की जरूरत है सो पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं डिस्टेंस दिस्ट्र, ट्रेवल थोड़ी देर बाद निकालेंगे सो so, पहले वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टेकन तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सिक्स मीटर पर सेकेंड की पहले वेलोसिटी हो गई फाइनल इनिशियल रेस्ता टाइम टेकन वन तो यानी कि सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेशन आगे की तरफ लगा है ना उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एक्सेलेशन ये है तो अगर हम यहाँ पे अब सेकेंड इक्वेशन यूज़ करें तो सेकेंड इक्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कैश इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आपकी ज़ीरो थी तो ये पोर्सन जीरो हो जाएगा सो डिस्प्लेसमेंट होएगा जीरो प्लस हाफ़ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर यानी कि थ्री मीटर तो आपका पहले वाला जो S1 है जो पहले एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है तीन मीटर ना उसके बाद हमने क्या किया है इस एक्सलेशन को रिवर्स डायरेक्शन में दे दिया है अब हम जानना चाहते हैं कि अगले दो सेकेंड में आपका रिटार्डेशन मोशन जो हुआ है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है तो अगेन ये क्वेश्चन यूज़ करके हम लिख सकते हैं एस विल बी इक्वल टू यू टी पूरी क्वेश्चन लिख लेते हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो यू इस बार इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे सिक्स मीटर पर सेकेंड है तो ये हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस हाफ़ मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन इस बार माइनस सिक्स इंटू टू का स्क्वायर है इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका बारह और ये हो गया माइनस uh, uh, बारह uh, ये हो गया आपका माइनस uh, बारह यानी कि ज़ीरो तो इसका अलग कार यहाँ से चली और वापस दो सेकेंड बाद यहीं पर वापस आ गई सो तो आपका जो डिसप्लेसमेंट नेट हुआ है नेट डिस्प्लेसमेंट वो होगा एस वन प्लस एस टू यानी कि थ्री प्लस जीरो यानी कि थ्री मीटर सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी वो होगी जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस नेट डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि थ्री बाई थ्री यानी कि वन मीटर पर सेकेंड तो आपकी एवरेज वेलोसिटी तो वन मीटर पर सेकेंड आ गई नाव इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं या तो हमारा ऑप्शन बी या ऑप्शन सी दोनों में से कोई एक करेक्ट चॉइस है लेकिन अभी हमें एवरेज स्पीड और निकालनी ही बाकी है ना एवरेज स्पीड के लिए हम करेंगे जो हमारी एवरेज स्पीड होती है स्पीड एवरेज वो आएगा आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टाइम टेकन से डिवाइड करना है उसको ना यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहले तो तीन मीटर गई ये आपका एस वन आया उसके बाद ये आगे जाके वापस पीछे मुड़ के आई है तो हमें ये इंडिविजुअली डिस्टेंस ट्रेवल निकालने पड़ेंगे तो एक सेकेंड वो आगे गई एक सेकेंड पीछे आई और उसका एक्सलेशन आपका छः था तो आपका जो डिस्टेंस है वो ऐसे आएगा सो आपका डिस्टेंस के लिए पहला S1 तो आपका तीन मीटर हो चुका है S2 के लिए इस बार फिर हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे आ, लेकिन इसमें हम टाइम जो यूज़ करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी छः रहेगी टाइम आपका वन सेकेंड आएगा टाइम इस बार हम यूज़ कर रहे हैं दो सेकेंड से लेके कर तीन सेकेंड तक और वापस नहीं एक सेकेंड से लेके कर दो सेकेंड तक आ, ये तो ऊपर वाला है एक सेकेंड से लेके कर दो सेकेंड तक और फिर दो सेकेंड से लेके कर तीन सेकेंड तक हम वापस आएँ हाँ नहीं सो आपका एस टू जो हो जाएगा वो यू हो गया सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस हाफ़ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी सिक्स इंटू वन और इसमें सिक्स आप माइनस में रख देंगे एक्सेलेशन सो so, ये आ गया सिक्स माइनस थ्री यानी कि तीन मीटर तो इसका मतलब गाड़ी तीन मीटर आगे गई है क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो तीन मीटर ही पीछे आई है तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस जो है ट्रैवल वो हो गया तीन प्लस तीन प्लस तीन डिवाइडेड uh, बाय uh, ये आपका तीन आ गया सो so, स्पीड जो आई आपकी सो so वो होएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि हो गया नाइन डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि थ्री मीटर पर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी थ्री मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड और वन मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर